स्टूडेंट्स, मायसेल्फ नेहा। आज का हमारा बिल्कुल न्यू चैप्टर है, उसका नेम क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, आज हम अपने इस चैप्टर को, इसका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो हम सारा कवर कर लेंगे कि कैसे कोई न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस फॉर्म के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब एंटर जो कोई पार्टनर करता है तो एंटर करने के लिए हमें क्या जरूरत है किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में लाने की, क्या जरूरत है? और भी तो बहुत सारे पार्टनर्स ऑलरेडी बिजनेस के अंदर, हमारी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, नया पार्टनर ही लाना क्यों जरूरी है? आज हम उसके सभी कंडीशंस को, उसके सारे सर्कमस्टेंसेस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं आप सभी को उसको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड करी, और आप अच्छे से उसे देख लेना। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा समझ लेते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जरूरत कब पड़ती है। Sometimes a new partner is needed into the business due to following reasons. Sometimes यानी कभी कभी एक new partner की जरूरत पड़ती है, needed मैंने जरूरत पड़ना, into the business हमारे business के अंदर due to following reasons, कि इन सभी reasons के लिए हमें एक new partner की अपने business के अंदर, अपनी firm के अंदर जरूरत पड़ती है। क्या क्या reasons है वो? When मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि जब मोर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ज्यादा कैपिटल, ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि यानी कि जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे वो अपना जितना उनका शेयर बनता है उतना वो क्या लेके आएंगे, अपनी कैपिटल लेके आएंगे। कैपिटल का मतलब वो उतने का क्या लेके आएंगे, वो पैसे लेके आएंगे अपने बिजनेस के अंदर। इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ावा देना, बढ़ाना ऑफ द बिजनेस। यानी कि सबसे पहला इसका रीजन क्या बनता है कि किस लिए हमें एक न्यू पार्टनर के हमारे बिजनेस फॉर्म के अंदर जरूरत पड़ती है, कि जब भी कभी हमें ये जरूरत महसूस हो कि हमारे बिजनेस के अंदर ज्यादा कैपिटल होनी चाहिए, अपने बिजनेस को हमें एक्सपेंड करना हो, एक्सपेंड का मतलब अपने जो हमारा बिजनेस है उसको बढ़ाना हो, पहले जितना है ठीक है उससे ज्यादा बढ़ा लो। जैसे कि हमारे एक शॉप है, एक रेफ्रिजरेटर हम सेल कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना हो, यानी कि रेफ्रिजरेटर के साथ साथ हमें वहां पे टीवी, वॉशिंग मशीन्स वगैरह और ये सब एलईडीज वगैरह ये सब हम सेल करने लग जाएं, तो यानी कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत होगी, पैसे चाहिए होंगे। तो वो कैपिटल कहाँ से अरेंजमेंट होगी? तो उसमें हम एक न्यू पार्टनर हम क्या ले आएंगे, अपने बिजनेस के अंदर ले आएंगे। ठीक है, पहले ही ऑलरेडी हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर्स होते हैं, बट हम और भी ज्यादा पार्टनर ले आते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड क्या, व्हेन ए कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब उसका प्रतियोगी जो होता है, यानी कि जो उसके जैसे सेम बिजनेस कर रहा है, एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। एक्सपीरियंस का मतलब कि जिसको काफी एक्सपीरियंस हो किसी काम को करने का, काफी भाई उसको अनुभव मिला हो, तो एक्सपीरियंस पर्सन की जब जरूरत होती है फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। एफिशिएंट का मतलब बिल्कुल सही बिजनेस, बिल्कुल सही बिजनेस हमारा चलता रहे, कि हमें इतने अच्छे पर्सन की, एक स्पेशलाइज पर्सन की हमें अपने बिजनेस के अंदर जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि हम अपने बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? टू इंक्रीज द गुडविल। अब हमारे बिजनेस के अंदर क्या होती है? गुडविल होती है एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेप्यूटेड एंड रिनॉर्ड पर्सन इनटू पार्टनरशिप। हम अपनी पार्टनरशिप में अपनी फर्म की गुडविल बढ़ाने के लिए, अब एक शॉप है कि जिसकी गुडविल क्या है, काफी अच्छी है। ठीक है, अब गुडविल किस लिए अच्छी होती है? या तो कोई पर्सन वहां पे काम कर रहा हो कि वो ज्यादा बंदा पॉपुलर है तो इसकी वजह से गुडविल है, तो हम भी ऐसे पर्सन को अपने बिजनेस के अंदर ले आए कि जो कि काफी पॉपुलर है, तो उसको लाने की वजह से क्या होती है, उसको लाने की हमारे बिजनेस के अंदर जरूरत, क्योंकि वो इतनी अच्छी रिनॉर्ड पर्सन होता है, इतना अच्छा पर्सन होता है, एक तो वो साथ साथ में उसकी गुडविल आएगी, गुडविल की वजह से हमारे
बिजनेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा। तो इसीलिए हम अपने पर्सन्स को, हम अपने पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर्स को बिजनेस में ले आते हैं, ताकि एक तो गुडविल मिल जाए हमारे बिजनेस को और एक रेप्यूटेड, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हमें मिल जाए किसी काम को करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग इनटू पार्टनरशिप। यानी कि हमें किसी एम्प्लॉय का क्या बढ़ाना हो, एक एनकरेज बढ़ाना हो, ठीक है, कि हाँ भी उसका प्रोत्साहित करना हो किसी चीज को, कि भाई वो काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ उसको मोटिवेशन की जरूरत है। तो सिर्फ हमें मोटिवेशन लाने के लिए हम पार्टनरशिप के अंदर उसको ले आते हैं। तो ये तो था कि फॉलोइंग रीजंस इसके क्या क्या है कि जब भी हमें पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है, और आगे देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पार्टनरशिप डीड्स वगैरह जो है इसकी चेंज करनी पड़ती है। ये भी इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। हमें क्या क्या करना पड़ता है कि जब हमें किसी भी, जैसे कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जबकि जो हमारा नया पार्टनर अगर हमारे बिजनेस के अंदर एंटर करता है, तो हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि न्यू पार्टनरशिप डीड, अब आपको पता ही है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कि पार्टनरशिप डीड वो होती है कि जिसके अंदर हम अपने बिजनेस रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी ओरली या फिर रिटर्न में उसको क्या लिख लेते हैं, या फिर ओरली बोल के सारे पार्टनर्स को हम सुना देते हैं कि ये काम जो है, ये हमारे बिजनेस की टर्म्स है, ये हमारे बिजनेस की क्या है कंडीशंस है। ये वाला टॉपिक जो पार्टनरशिप डीड का है वो हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एंटर करता है, तो जो पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है, पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। अब नया पार्टनर एंटर करता है तो वो पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप डीड जो है वो बना ली जाती है, और उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखी होती है, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या है कि जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एंटर करता है, तो वो ये नहीं है कि कोई भी एक पार्टनर कह देगा कि हाँ भाई ये वाला बंदा है, इसको हम पार्टनर बना लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर और वो ऐसे पार्टनर बन जाएगा। ऐसे पार्टनर कोई नहीं बनता। जितने भी पार्टनर्स हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, हमारी फर्म के अंदर होते हैं, उन सभी की कंसेंट ली जाती है, यानी कि उन सबसे सलाह मशवरा किया जाता है कि क्या ये जो बंदा है, क्या ये पर्सन जो है, इसको हम अपने पार्टनरशिप में पार्टनर बना ले, पार्टनरशिप फॉर्म में इसको क्या पार्टनर बना लिया जाए। सभी की कंसेंट से, अगर सभी की यस होती है, तो तभी वो पर्सन जो है उसको पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कराया जाता है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं बनता। अब जब कोई पार्टनर हमने बना लिया, सभी की कंसेंट हो चुकी, तो आगे क्या लेके आएगा वो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि एडमिशन का मतलब कि जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एंटर करता है, द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। तो जो भी नया पार्टनर होता है वो अपने हिस्से की क्या लाता है, अपने शेयर की कैपिटल भी लेके आता है, यानी कि वो पैसे भी बिजनेस के अंदर लेके आता है और गुडविल भी लेके आता है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइज अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन हिज फेवर। अब इसमें क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है, अब ये तो है कि नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आया, बाकी जितने पार्टनर्स हैं वो तो ओल्ड है, वो तो पुराने पार्टनर है जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना अपने हिस्से का, यानी कि अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को देना। ए शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, यानी कि जितना उनको प्रॉफिट हो रहा है आज के टाइम में, जितना भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने उस हिस्से में से क्या देंगे, अपना शेयर जो है किसके फेवर में, इन हिज फेवर। यानी कि जो भी पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आएगा, उसको वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे, त्याग कर देंगे। सेक्रीफाइस करने के लिए भी एक सेक्रीफाइस रेशियो होती है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे क्या क्या होती है। एंड ही गेट्स अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब उसको तो वहां से मिल गया, जो भी प्रॉफिट है वो तो बिजनेस फर्म, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है, वो तो हमारे न्यू पार्टनर को दे देंगे अपने शेयर में से, अपने प्रॉफिट के शेयर में से। वो क्या करेंगे, जितना उनको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जितना उसका शेयर बनता है वो उसको दे देंगे। और क्या करेंगे, अब जो भी नया पार्टनर है उसको क्या मिलने लग जाएगा, फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको वो प्रॉफिट्स मिलने लग जाएंगे।
फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी कि कुछ समायोजन एडजस्टमेंट होती है कि कुछ उसके अंदर फेर बदल करनी पड़ती है। आर वी डिड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है कि जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एंटर करता है। तो अब ये जितने भी चीजें हम इसके आगे पढ़ेंगे, इन सभी को आगे हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल इसकी थ्योरी भी आएगी आगे, हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके अंदर आएंगे, और जो कि बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी बार आ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कोई भी नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ गया, अब जो पुराने पार्टनर है उनकी तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, अब जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आएगा उसके लिए तो कुछ चेंजेस होंगे। अब वो जो हमारे पुराने पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट का भी शेयर जो है उसको दे देंगे, यानी कि जिस रेशियो में पहले वो डिवाइड कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, अब वो उस जो उनका शेयर जो उनको मिल रहा है अब उनको उससे कम उसमें मिलेगा ना। जैसे कि कोई मान लो 5:2 में अपना प्रॉफिट जो है वो ए और बी पार्टनर है 5:2 में अपने प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, इसके बाद कौन आ गया 1/5 शेयर के लिए सी भी एंटर कर गया हमारे बिजनेस के अंदर। अब 1/5 शेयर इसको भी तो मिलेगा, अब वो 1/5 शेयर का ही ऊपर से थोड़ी ना आएगा, अब ये ए और बी अपने हिस्से में से क्या देंगे 1/5 शेयर देंगे। तो इसके लिए हम इसका भी एक प्रोसीजर है उसको भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से होता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट की जाती है, कब की जाती है, जब भी कोई न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एंटर करता है। तो नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास्ट जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। हम क्या करते हैं कि वैल्यू जो है गुडविल की वो निकालते हैं जो हमारे बुक्स के अंदर होती है, जो हमने क्या करी होती है, पहले ही अर्न करी होती है। गुडविल का भी चैप्टर जो है हमने वो कर लिया है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अंदर हम इसकी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्या काम करते हैं, टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमारी जितने भी असेट्स होती है बिजनेस के अंदर और जितनी भी लाइबिलिटी होती है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में आपको पता ही है, असेट्स यानी संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट्स, मशीनरी वगैरह ये सब होती है। लाइबिलिटीज जो होती है हमारी क्रेडिटर्स, ठीक है, ये सब हमारी लाइबिलिटीज होती है, तो उनको भी हम रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यू का मतलब है कि इसके अंदर भी हम इसको चेंज कर देते हैं, उसको अपनी मार्केट वैल्यू के अंदर उसको हम लेके आते हैं। मार्केट वैल्यू के अंदर क्यों लेके आते हैं, जब भी कोई न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एंटर करता है इसलिए लेके आते हैं ताकि जो न्यू पार्टनर आता है वो इन फ्यूचर क्या ना बियर करे, ना तो उसको प्रॉफिट हो उसकी वजह से और ना ही उसको लॉस हो। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ ऑल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे पुराने रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो जितने भी होते हैं वो हम ओल्ड पार्टनर्स को क्या दे देते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो हम उनके कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो जितना भी यानी पुराना काम होता है वो हम पहले ही उसको दे चुके होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी कैपिटल्स हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर जो भी पार्टनर लेके आते हैं उसके भी हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब ये जो जितनी भी ये एडजस्टमेंट जो है वो हम आगे अपनी थ्योरी में भी समझेंगे और इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी हम करके देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। आज की हमारी फर्स्ट वीडियो थी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसके अंदर हमने सारे के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।